इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने इसराइल को नसीहत दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जीवन नुकसान कम करने का आह्वान किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने वेस्ट बैंक हिंसा की निंदा भी की है। जो बाइडन ने कहा कि हमास विनाश की विचारधारा पर कायम। जो बाइडन ने कहा कि हम शांति के लिए प्रयास करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने युद्ध विराम कॉल को भी खारिज कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने इसराइल को नसीहत दी है। जो बाइडन ने जीवन नुकसान कम करने का इसराइल से आह्वान किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने वेस्ट बैंक हिंसा की निंदा भी की है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने इसराइल को नसीहत दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जीवन नुकसान कम करने का आह्वान किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने वेस्ट बैंक हिंसा की निंदा भी की है। जो बाइडन ने कहा कि हमास विनाश की विचारधारा पर कायम। जो बाइडन ने कहा कि हम शांति के लिए प्रयास करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने युद्ध विराम कॉल को भी खारिज कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने इसराइल को नसीहत दी है। जो बाइडन ने जीवन नुकसान कम करने का इसराइल से आह्वान किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने वेस्ट बैंक हिंसा की निंदा भी की है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने इसराइल को नसीहत दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जीवन नुकसान कम करने का आह्वान किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने वेस्ट बैंक हिंसा की निंदा भी की है। जो बाइडन ने कहा कि हमास विनाश की विचारधारा पर कायम। जो बाइडन ने कहा कि हम शांति के लिए प्रयास करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने युद्ध विराम कॉल को भी खारिज कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने इसराइल को नसीहत दी है। जो बाइडन ने जीवन नुकसान कम करने का इसराइल से आह्वान किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने वेस्ट बैंक हिंसा की निंदा भी की है।